Hey, what's up guys? Welcome back to my another gameplay video. जिसमें आज पहली बार खेलने लगे हैं गैस स्टेशन सिमुलेटर। जिसमें आज हम ओपन करेंगे एक अपना गैस स्टेशन। एक्चुअली हमारे अंकल ने हमको घर से बाहर निकाल दिया था, तो बाहर जाकर कुछ तो काम करना था। तो एक गैस स्टेशन सेल हो रहा है हमारे घर के पास में हाईवे 69 के ऊपर। तो वहां पे जा करके हम लोगों को एक गैस स्टेशन परचेज करना है, देन उसको रनिंग कंडीशन में लेकर के आना है। ज्यादा देर नहीं करते, गेम को शुरू करें। तो गाइस आ गए हम गेम के अंदर और ये जा रहे हैं एक लग्जरी गाड़ी के अंदर घूमते हुए, जहां पे बगल में बैठा हुआ है एक डॉगी का छोटा सा स्टैचू जिसके मुंह में सिगरेट है। और हम जा रहे हैं एक गैस स्टेशन ढूंढने के लिए, जिसको हम लोग रेनोवेट करके ओपन करके चलाने वाले हैं। और फाइनली हम लोग वहां पे पहुंच चुके हैं और ये है सेल के लिए, बट इसका नाम नहीं दिख रहा है। रुको, नाम देखने के हम लोग वेट करते हैं यहाँ पे। और इसका नाम है डस्ट बाउल गैस स्टेशन गाइस। तो डस्ट बाउल गैस स्टेशन हम लोगों ने ये परचेज कर लिया है यहाँ पे और अब हम इसके बन चुके हैं ऑनर। तो 12 घंटे बीत गए यहाँ पे लेने के बाद में, मतलब हमने आराम वराम सब आराम से कर लिया है यहाँ पे। और डे जीरो रात का 1:10 हो रहे हैं गाइस। रात को ही काम करने वाला है क्योंकि मॉर्निंग में से इसके गैस स्टेशन को ओपन करता है। तो ये काम करते हैं, पहला टास्क है फिगर आउट हाउ टू एंटर द गैस स्टेशन। ओके ठीक है, रास्ता तो यही है, इस कूड़े को उठा लेते हैं और नीचे दे के मारते हैं इस कूड़े को। क्या बात है अंकल जी, आप भी इधर आ जाओ। ओके, तो गैस स्टेशन जनरली की जो गैस स्टेशन की लोकेशन होती है ना, वो रोड साइड होती है। तो मुझे लग रहा है मुझे रोड की तरफ जाना पड़ेगा गैस स्टेशन के लिए। और ये आवाजें कैसी आ रही है यहाँ पे, किसी किसी अच्छा तार की स्पार्किंग की आवाज़ आ रही है। ओके, ये है हमारा गैस स्टेशन और यही है ना, लग तो यही रहा है। अरे यार ये तो बड़ी गंदगी है यार, अंदर जाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मेन डोर पर लगे हुए हैं फट्टे, कोई बात नहीं, फट्टे उतार देते हैं हम लोग फटाफट से और घुसते हैं अंदर। बहुत ही ज्यादा मच्छर मुच्छर बाहर आ रहे हैं, कीड़े मकोड़े, छी। ओके हम लोग पहुंच गए अंदर गेम के अंदर, मतलब मेरे गैस स्टेशन के अंदर पहुंच चुके हैं। टास्क कंप्लीट हो गया, अब फॉलो द हाई वोल्टेज केबल एंड फाइंड अ वे टू टर्न ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जो इलेक्ट्रिसिटी का वो वायर दिख रहा था ना यहाँ पे, ये वाला, हमको इलेक्ट्रिसिटी ऑन करने के लिए जाना है। तो फटाफट से चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करने के लिए। भाई बहुत ही बढ़िया हाईवे, यहाँ पे पवन चक्की लगी हुई है, विंडमिल, और यहाँ पे ये रहा, परफेक्ट। और अब यहाँ से जा रहा है करंट हमारे गैस स्टेशन के अंदर और शायद गैस स्टेशन की लाइट्स ऑन होंगी। हो गई ऑन, क्या बात है। चलो गाइस चलो 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 यहाँ से चलते हैं गैस स्टेशन की तरफ फटाफट से। बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे। पिक अप द फोन एट द बूथ इन द फ्रंट ऑफ द स्टेशन। ओके, तो अंकल का कॉल यहाँ पे आया हुआ है, पिक अप द फोन एट द बूथ। ठीक है, यहाँ से हमने कॉल उठाया और ये अंकल हमें कॉल कर रहे हैं, कांग्रेट्स कर रहे हैं जिन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया। कोई बात नहीं अंकल, कोई बात नहीं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चल बकवास ना कर। चलो गाइस हम लोग अपने मिशंस करते हैं, रीड द ईमेल ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, फटाफट से कंप्यूटर पे चलते हैं। और भाई यहाँ पर तो बहुत वो है, हाउडी। हाँ ठीक है पढ़ लिया। ओके अभी क्या करना है, गेट इन द मिनी एक्सकेवेटर। ओके कहीं पे मिनी एक्सकेवेटर पड़ी हुई है, हमें वहाँ जाना है मिनी एक्सकेवेटर के पास में। और हिंट, हर नेम इज रूडी। ओके, एक्सकेवेटर का नाम जो है ना वो रूडी रखा हुआ है। ठीक है, इसको पकड़ देते हैं और चलते हैं। कहाँ जाना है? ओके भाई फ्यूल खत्म हो गया रे, अब फाइंड अ वे टू रिफ्यूल रूडी। ओके सर्च अराउंड फॉर एन ओल्ड जेरी कैन। ठीक है, एक जेरी कैन हम लोगों को यहाँ पे सर्च करना है।
फटाफट से कर लेते हैं, और सुबह के अंदर 5 ऑलमोस्ट बज गए हैं, और मुझे लगता नहीं है कि हम लोग सुबह तक शायद इसको ओपन कर पाएँ। कर भी सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी हम काम करते हैं। कोशिश तो पूरी करेंगे कि हम लोग ओपन कर दें मॉर्निंग तक इसको। ओके अंकल, अब क्या करना है प्लीज़ बताओ हमको। एम्प्टी है और यहाँ से इसको फुल कर देना है, ठीक है। और ये हमारा जेरिकेन फुल हो गया, और रूडी में हम ये डाल देते हैं। रूडी अंकल कहाँ पे हो आप? ओके, अब हम जेरिकेन इसको एक्सकेवेटर को चलाते हैं, और यहाँ पर ये जो मिट्टी पड़ी हुई है ना, इसको हम लोगों को यहाँ से उठा लेना है। ओके परफेक्ट, ये हम लोगों ने उठा लिया। और यहाँ डालना है, ठीक है कोई बात नहीं। अरे ये तो गलत ही खड़ा हो गया। ठीक है, इस ट्रक को ना मैं यहीं छोड़ देता हूँ, क्योंकि आई थिंक ये हमें करना पड़ेगा कई बार, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी बहुत सारी पड़ी हुई है। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? ओपन द गैस स्टेशन फॉर द कस्टमर्स। ओके, यहाँ से गैस स्टेशन हमें ओपन कर देना है, और ये ओपन हो गया। वाह सुपर, मज़ा आ गया। गैस स्टेशन हमारा ओपन हो चुका है यहाँ से, और ये टेलीफोन बूथ था, दिन यहाँ पे प्यारा सा हो चुका है। गैस स्टेशन हमारा देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, ठीक है। बट रिफिल योर फ्यूल सप्लाईज यूजिंग द पीसी, ठीक है। हम लोगों को पहले फ्यूल मंगा लेना है, जल्दी से हम लोग फ्यूल मंगा लेते हैं यहाँ पे, और 100 लीटर मंगा देते हैं यहाँ पे, जो कि 200 डॉलर। अरे ठीक है, और हम लोगों को गैस स्टेशन के अंदर यहाँ पे फ्यूल भर लेना है। और टाइम भी जो है अभी हो चुके हैं 9:40 हो चुके हैं मॉर्निंग के, और लेकिन हमने मॉर्निंग से पहले पहले ना हमने गैस स्टेशन तो ओपन कर ही दिया है, ठीक है। और कस्टमर भी हमारे पास में यहाँ पे आके खड़े हुए हैं फ्यूल के लिए। अंकल आपको कितना फ्यूल चाहिए मुझे ये बताओ आप, बस तो सारा का सारा भर देगा। 11 लीटर फ्यूल चाहिए अंकल को, और ये भर दिया हम लोगों ने। थैंक यू सो मच अंकल। अरे पीछे कोई घूम रहा है, अच्छा वो गैस वाला होगा, ठीक है ठीक है। होता है कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। बाय ट्रैश बैग, ओके एक ट्रैश बैग यहाँ पे हम परचेज कर लेते हैं फटाफट से, और ये जितना भी कचरा है ना हम वो ट्रैश बैग में डाल लेंगे, ठीक है भाई। कहाँ से शुरू करें, यहाँ से? चलो ठीक है, हम बहुत सुंदर से चकाचक सा बना देंगे इसको ना, गैस स्टेशन को। भाई ये पैक भर के नीचे गिर भी रहा है, पता है, बहुत सही सीन है ये तो। कस्टमर की वेट भी कर रहा हूँ मैं, कस्टमर आ जाएगा तो थोड़ा पैसा भी आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ 330 डॉलर हमारे पास में यहाँ पे हैं। तीन चीज़ें और बची हैं, उसके बाद में हम झाड़ू लगाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा। और ब्रूम हम लोगों को यहाँ परचेज करना पड़ता है, बट आई थिंक हो ओके। ये नीचे तो नहीं गिर गया, ये नीचे गिर गया रे। चलो ये हो गया, फटाफट से झाड़ू परचेज करते हैं। ब्रूम हम यहाँ पे, और ये किया हम लोगों ने झाड़ू परचेज। टाइम आ गया झाड़ू लगाने का, दरवाजे से शुरू कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि लोग बहुत गंदगी मचाते हैं। भाई तो बहुत ही तेजी से साफ कर रहा है, अच्छी बात है। क्या बात है, मुझे गाड़ी की आवाज आ रही है बाहर से, आई थिंक कोई गाड़ी आने वाली है हमारे पास में, कोई कस्टमर आएगा हमारे पास में सफाई के लिए, सफाई कर रहा फ्यूल भरवाने के लिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद आ रहा हो। नहीं, अभी तक तो नहीं आया।
ऑर्डर गार्बेज कलेक्शन, ओके एक गार्बेज कलेक्शन वाले को हमें ऑर्डर देना है, ठीक है हम गार्बेज वाले को बुलाते हैं, वो कूड़ा आकर के ले जाएगा। बट अरे यार ये कहाँ से आ गया है? इवेंट डेनिस, तेरी ऐसी जैसी, ये अंदर करके गया इस बार। ओए बेटा तू, पुलिस वाले अंकल देख बगल में घूम रहे हैं, अंकल जी पुलिस वाले अंकल बहुत परेशान कर रहा है लड़का, यार क्या करूं मैं अंकल, मैं आपको मारना नहीं चाहता था सॉरी, आप पर तेल बताओ कितना चाहिए आपको, अभी भर देंगे, थैंक यू सो मच अंकल। अमेजिंग। मेरी ना वो गाड़ी आने वाली है कूड़े वाली, एक्चुअली मैं फटाफट से कूड़ा डाल देता हूँ। अच्छा नहीं लगता ना घर के आसपास, मतलब दुकान के आसपास कूड़ा पड़ा रहे, वो आएगा अच्छे से सफाई करके जाएगा। हर तरफ नजर मार लेंगे कि कूड़ा फालतू का ना पड़ा हो, जैसे देखो यहाँ पे भी एक ये पड़ा हुआ है, मैंने रखा था एक्चुअली, पड़ा नहीं है, ठीक है परफेक्ट। और यहाँ तो बहुत सारा है, जल्दी से वो आने वाला है। अरे वो कूड़ा ले भी गया यार, ये तो गलत बात है यार, थोड़ा सा वेट कर लेता, कुछ नहीं होता, हमें तो सफाई करनी करनी है ना, दोबारा बुला लेंगे। वैसे ना दुकान के पास में इतना बड़ा कूड़े वाला होना नहीं चाहिए था, गैस स्टेशन के पास में ना गंदगी यहाँ होती रहती है इन चीज़ों से ना। ओके ये हो चुका है, और एक, अरे एक ये भी रह गया अंकल जी, दो रह गए, और एक गाड़ी भी आई है, मैं ज़रा तेल भर देता हूँ। भाई पुलिस वाले बहुत गाड़ी भरवा रहे हैं, पंपा पहली बार देखा क्या उन्होंने? थैंक यू सो मच Nice. अंकल, आप जा सकते हो, नमस्कार, हमें बहुत काम है, जगह जगह कूड़ा बिखरा हुआ है, हम लोगों को साफ करना है इसको। ओके बाय अ रोलर एंड पेंट द स्क्रिबल्ड वॉल्स। ओ भाई अच्छा, हमने पेंट रोलर परचेज किया, और वो जो डेनिस लड़का वॉल खराब करके गया है ना, वो वॉल्स को हमको ठीक करना है, तो इससे पहले हम लोग एक पेंट चूज कर लेते हैं, ये वाला पेंट हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। पर पेंट करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने पेंट कर दिया। और वो यार पीछे की तरफ भी कुछ कर रहा था, किसी वॉल पे बनाया है क्या उसने? ओके कल शाम के 7 बज चुके हैं यहाँ पे, और टाइम हो रहा सोने का, ठीक है अब एक काम करते हैं, ये लास्ट गाड़ी लेते हैं और गैस स्टेशन को ना यहाँ पे ओके बाय रोलर पेंट दो वॉल, इसने कोई और वॉल भी गंदी करी है क्या? मैं इसको पेंट कर देता हूँ, मुझे पता ही नहीं उसने कौन सी वॉल गंदी करी है, एक का तो मेरे को ध्यान था। गाड़ी आई थी, वो गाड़ी वाला कहाँ चला गया? ये भी वो वॉल नहीं है, सारी वॉल पेंट करवा लेंगे क्या ये ऐसे करके? टास्क खत्म ही नहीं हो रहा, ये भी नहीं है, कौन सी वॉल है भाई? भाई मैं ठीक से देखता हूँ, कोई आवाज आई यहाँ पे ना अभी कुछ गिरने की, इसको कर देता हूँ पेंट।
पता ही नहीं लग रहा कौन सी दो वॉल पेंट करनी है। अंदर से तो नहीं गंदा करके क्या? नहीं। यस आंटी कितना तेल चाहिए आपको? तेल बहुत है यहाँ पे, आप जितना कहोगे उतना मिल जाएगा, बट पैसा पूरा लूंगा। ये वॉल पेंट कर दी मैंने, ये भी कर दी। अरे यार ये वाइट पेंट हो जाएगा। फटाफट से वॉल को यहाँ पे पेंट कर देते हैं। मुझे अभी तक नहीं पता लगा कि उसने दूसरी वॉल कौन सी गंदी करी है, समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि दिख तो रही नहीं है कौन सी वॉल उसने गंदी करी है। यू हैव न्यू एमएल फ्यूल स्टेट स्लो। ओके फ्यूल भी खत्म होने वाला है, हमें को फ्यूल भी मंगवाना पड़ेगा। फ्यूल को ऑर्डर दे देते हैं यहाँ पे फटाफट से, क्योंकि बाकी कुछ बचे ना बचे हमारे पास में फ्यूल जरूर होना चाहिए क्योंकि ये फ्यूल स्टेशन है। कोई कस्टमर तो नहीं आया ना अभी? अभी नहीं आया है। ओके अब लिखा रहा है फाइंड द राइट टूल टू ब्रेक इनटू द कार ट्रंक। पहले कस्टमर चेक करूं मैं, कोई कस्टमर तो नहीं आया है ना? ओके कस्टमर अभी तक नहीं आया, तो एक कार है पीछे जिसका ट्रंक हम लोगों को ओपन कर लेना। और फ्यूल वाला मेरा आ रहा है, बहुत दूर नहीं है, पास में ही है। ओके तो इससे आई थिंक हमको इसे ओपन करना है, देखते हैं कैसे ओपन होगा ये। ओके यहाँ से हम लोगों को एक मिली है पेंटिंग, डस्ट बॉल पेंटिंग, और उसको हम लगा देते हैं यहाँ पे अंदर। पेंटिंग निकली मिली कहाँ है? गिरी यहाँ लगा देते हैं इसको, परफेक्ट, क्या बात है। और एक पुलिस वाले अंकल आए यहाँ पे तेल डलवाने के लिए, इनको तेल डाल देते हैं यहाँ पे अच्छे से। थैंक यू सो मच अंकल। अंकल क्या मैं अपनी दीवार पेंट कर लूँ? छोड़ो तब तक हम दीवार पेंट करते हैं। कलर चूज करना पड़ेगा यहाँ पे दोबारा से, और इसको हम कर लेते हैं पेंट। ये रह गया है, इसको भी हम कर देते हैं पेंट, और मैं तो सेम पेंट ही करना चाहूँगा इसके ऊपर। परफेक्ट, क्या बात है, खूबसूरत। अच्छा ओके अब हम लोगों को दो करनी है शेल्फ परचेज यहाँ पे, फटाफट से जल्दी से हम लोग शेल्फ परचेज कर लेते हैं। एक कर लेते हैं हम सॉफ्ट ड्रिंक के लिए, और एक कर लेते हैं हम लोग स्मॉल फूड स्टैंड। परफेक्ट ठीक है, और इनको लगा देते हैं हम यहाँ पर। परफेक्ट, और दूसरे वाली ओके दो शेल्फ हम लोगों ने यहाँ पे लगा दी हैं। अब हम लोगों परचेज करना है बाहर एक नेक्स्ट क्लास में पार्किंग स्पेस, तो पार्किंग स्पेस के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा फीचर्स में पार्किंग के अंदर, और ये पार्किंग स्पेस लेना है। और यू कैन नॉट मेक अ परचेज बिफोर क्लीनिंग द एरिया, तो हम लोगों को इसको पहले क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करने के लिए हमें और आंटी के पास जाना पड़ेगा, और आंटी को तेल भरने के बाद में हम लोगों को जाना पड़ेगा रूडी के पास, और रूडी भाई साहब बताएंगे, करवाएंगे साफ सफाई। तो ये हमें यहाँ पे सफाई करनी है। रूडी अंकल आ जाओ, ठाकुर आपका काम आ गया है तगड़े वाला।
ये गिर क्यों रहे अंकल जी? ओके ये हमने उठा लिया कूड़ा, कूड़ा नहीं एक्चुअली ये मिट्टी है ये ना। ठीक है ये हमने यहाँ पे डाल दिया फटाफट जल्दी से। और ये पुलिस वाले बहुत चक्कर लगा रहे हैं यहाँ। मैं ये जो मैंने गैराज परचेज किया ये कोई इलीगल तो नहीं है? हो सकता है यार इलीगल हो क्योंकि रोड साइड था और सडनली हम लोगों ने इसको परचेज कर लिया। बट एनीवेज क्या फ़र्क पड़ता है, फटाफट से अब हम परचेज कर लेते हैं। एडिशनल स्पेस और फीचर में गए पार्किंग के अंदर और बाय। तो अब हमारे पास में 3 गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पे और हो चुकी है, मजा आ गया। ठीक है आंसर द कॉल फ्रॉम द अंकल, एक टास्क और मिला हम लोगों को कि अंकल को कॉल करना है। वेट फॉर द कस्टमर टू ऑर्डर। हाँ जी अंकल कितना चाहिए आपको? थैंक यू सो मच अंकल। एक कॉल आया अंकल का, उसको हम यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं। यस अंकल I see the business is doing well. हाँ जी बहुत अच्छा चल रहा है अंकल जी। Calling to congratulate you on successfully getting it off the ground. Thank you so much. Thank you so much. But you can't run a business on fuel alone. Uh-huh. I've had a few of my people deliver some extra stock. Thank you uncle. Thank you so much. आप लोग हेल्प कितना कर रहे हैं? You now owe क्या? Well, I'll send you the invoice to your email. भाई अंकल ने धोखा दे दिया, स्कैम कर दिया, स्टॉक अपनी तरफ से डलवा दिया। हमारे पास में $5,000 का और जो हम लोगों को 5 मिनट में वापस करने हैं भाई। गड़बड़ हो गई, अंदर शेल्फ हमारी रिस्टोर हो चुकी है आई थिंक। यस कोई तो आया था देखो गंदगी करके गया है और शेल्फ हमारी भर दी गई है यहाँ पे। और अब हमारे पास में 5 मिनट है यहाँ पे सारी की सारी वो करने के लिए, मतलब उधार लोन वापस करने के लिए, जो कि मेरे हिसाब से तो इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी कोशिश पूरी करेंगे, जब तक कस्टमर नहीं आते हम लोग अपना पेंट का काम भी चालू रखेंगे। हम लोग कस्टमर आ रहे हैं लेकिन तब तक एक वॉल हो जाएगी जितनी देर में वो आएगा। अंदर हम लोग करने वाले हैं वाइट पेंट। अंकल जी फटाफट आओ आप। अरे तो फ्यूल स्टेशन के ऊपर आया। कमिंग अंकल, कितना चाहिए जल्दी बताओ। आंटी, अरे आंटी कितना चाहिए जल्दी बताओ। अरे 18 लीटर। थैंक यू सो मच। बट वो ट्रक वाले अंकल कहाँ गए हैं? हेलो, पता नहीं कहाँ गए ट्रक वाले अंकल। चलो आ जाएंगे जहाँ भी गए होंगे, अभी मुझे दिखे शायद। अरे कैश रजिस्टर पे कोई आया हुआ है, कौन आया? अच्छा अंकल इधर आ गए। हाँ जी भाई क्या चाहिए आपको? इन्होंने लिया है एक अंकल चिप्स का पैकेट, 2 अंकल चिप्स का पैकेट, एक इन्होंने लिए हैं पॉप्स, 2 लिए हैं इन्होंने पॉप्स। अरे मेरे घर में सांप है, ओए इतनी साफ सफाई के बाद भी यहाँ पे सांप घूम रहे हैं। सही है यार, ये थोड़ी पूरी साफ सफाई हो जाएगी ना आई थिंक फिर नहीं आएंगे जहां तक मुझे लगता है। चलो पेंट करते हैं दोबारा से। एक बॉल और हो गई हमारी। सुबह के 7 बज चुके गाइस काम करते करते ना, देखो हमने पूरी रात काम किया यहाँ पे। और कस्टमर एट, भाई कौन सा कस्टमर? मेरे पीछे कोई कस्टमर खड़ा है क्या? रुको मैं अभी। कस्टमर एट फ्यूल, क्या बात कर रहे हो? अरे 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 आंटी इतनी जल्दी आ गए आप, सॉरी सॉरी देर हो गई, हो जाती है कभी कभी। क्या ले रहे हैं आप? एक पेपरिका चाहिए आपको, एक चंकी, ओके, एक पता नहीं क्या आई है, ओके थैंक यू। एक अंकल बाहर भी आए हैं,
अंकल तेल जरूर भरवाना आपका, ऐसे मत जाना क्योंकि आप जा नहीं पाओगे। ठीक है, परफेक्ट, ओके ओके। अभी पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, मतलब कस्टमर कोई तो आएगा। ऐसे हमने वॉल्स काफ़ी पेंट कर दी हमने। पे द लोन, अभी कर देते हैं लोन। अरे पैसा तो है यार, लोन चुका देते हैं अंकल जी का। लोन लो, $800 हमने अंकल के और चुका दिए। यहाँ पे 4200 रह गए शायद, अंकल इतने से खुश हो जाएंगे कि जो पैसा दिया था वो वापस आ रहे हैं। ओके, अब वाइट कलर ही करना है, अब तो कोई पिकिंग नहीं चाहिए मेरे को यहाँ पे। ओके परफेक्ट, एक वॉल और हो गई मेरी यहाँ पे। और मेरे पास नई ईमेल आई हुई है, अभी देख लेते हैं ईमेल को। भाई ये तो बहुत ही सही चीज़ है यार, मतलब पेंट इतना मस्त तरीके से हो रहा है ना। वैसे एक बारी में पूरी पूरी वॉल हो जाती है ना तो मज़ा ही आ जाता। कोई आया नहीं अभी तक, बहुत अच्छी बात है, हम शांति से काम कर पा रहे हैं अभी, क्योंकि कोई आ जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। अरे ये कस्टमर मिट्टी लेकर के आए हैं। चलो आप ऑर्डर दो, तब तक तो मैं थोड़ी सफाई कर देता हूँ अंकल जी। प्लीज़ मिट्टी मत लेकर के आओ यार आप लोग, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। अकेला बंदा हूँ मैं जो यहाँ काम करता हूँ। क्या लिया आंटी आपने? एक लिया आपने मरिंडा, एक लिया आपने रू अफ़ज़ा, दो रू अफ़ज़ा जूस, थैंक यू सो मच। आपको क्या चाहिए? ओ फ्यूल भरवाने भी कोई आया? अंकल जल्दी करो, आप क्या चाहिए? अरे 13 आइटम, ये तो सब ले जाएगा रे दुकान का, क्या बात है, ये तो बहुत सारा पैसा दे के जाएगा। वैसे ये फैमिली के साथ आया होगा आई थिंक, मुझे ज़्यादा लग रहा है अभी इतना कुछ लेकर के आया ये। और $36 का, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। पर गंदगी तो नहीं लेके आया ना? नहीं नहीं गंदगी नहीं लेकर के आया, स्टॉक हमारे पास में है अभी। अंकल हट जाओ, हमें तेल भरना है। लो आंटी कितना चाहिए आपको? परफेक्ट आंटी, सही है। ओके तो गाइस अब हमारा ना काफ़ी हद तक पेंट हो चुका है हमारा। ओके कोई बात नहीं, कॉल आ रहा है, जरा कॉल रिसीव कर लेते हैं। Hey, ये क्या हुआ? ओए Where's our goddamn money? अंकल ने गुंडा भेज दिया भाई, मार दे, मुझे लोन नहीं दिया तो डस्ट बॉल। ओ भाई क्या बात है यार, पीट डाला हम लोगों को, मार डाला यार। यार ये तो गलत ही सीन हो गया यार, ऐसा अंकल जी धोखा कैसे दे सकते हैं? गलत बात अंकल, ऐसे काम नहीं करते हैं। वाओ क्या ही एंट्री हो रही है, ये कौन आ रहा है वैसे, ये क्या बात है, कोई तो आ रहा है यहाँ पे, महंगे वाली गाड़ी, क्या ही भाई, सिगार लगा रखा है मुंह के अंदर, वाह वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया है, कौन है इंसान, गुंडा गुंडा तो नहीं आ गया, कोई डॉन डून आ गया हो भी सकता, डॉन ही हो शायद। Wake up, Sam. You've got a gas station to run. है ये था कौन ये इंसान? ये इंसान कौन था ये वाला? भाई उसने बंदे ने मारा तो बहुत ही कतई जहर था हमें। ओके फोन रिसीव कर लेते हैं। Hey, nephew, back on your feet. I hope your head's no longer spinning. Thanks for picking up. We need to talk. Okay. There was a mistake, a serious one.
You can rest easy knowing I will have the responsible people dealt proper retribution for what has happened. The amount of time on your investment loan deadline was rendered far too short for what the amount was. Okay. It's plain bad business. Uncle का ये कहना है कि जो उन्होंने लोन दिया था ना और उसकी जो ड्यूरेशन थी वापस करने की वो मिस्टेक से बहुत छोटी उन्होंने दे दी और उनकी इस गलती की वजह से ना वो हमारा पूरा लोन माफ कर रहे हैं और जो हमने उन्हें लोन के पैसे दिए थे ना वो भी वो वापस कर रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस फटाफट से ना हम मंगा लेते हैं फ्यूल यहाँ पे, हमारा फ्यूल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, प्राइस महंगा चल रहा है फ्यूल का, महंगा हो गया फ्यूल। कोई बात नहीं गाइस, मज़ा आ गया। तो इसी के साथ में गाइस आज का ना ये हम एपिसोड यहीं पर फिनिश करते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से मज़ा आ गया यहाँ पे खेल करके, ठीक है। और मिलते हैं नए एपिसोड के अंदर बहुत जल्दी गाइस। सो अभी के लिए चलते हैं, बाय बाय।